हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आशीष और आज हम बात करेंगे एप्पल वॉच एसी सेकेंड जनरेशन के बारे में। अभी जो एप्पल वॉच एसी है ये मैंने अराउंड 2.5 महीने पहले परचेज़ करी थी, तब से मैं इसको कंटिन्यूसली यूज़ कर रहा हूं। ये मेरी पहली एप्पल वॉच है, इससे पहले मेरे को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था एप्पल वॉच को यूज़ करने का। मेरे को एक फ़िटनेस ट्रैकर चाहिए था और क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एप्पल के प्रोडक्ट हैं तो मैं एप्पल की वॉच की तरफ ही गया ताकि मैं इसके इकोसिस्टम को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाऊँ और आप लोगों के लिए और नई नई वीडियोज़ लेके आ पाऊँ। बट इसके साथ मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और आप इस वीडियो को एज ए एक्सपीरियंस शेयरिंग वीडियो बोल सकते हो, क्योंकि मैं इसमें आप सारी चीज़ें कवर अप करके बताऊंगा आपको कि डे टू डे लाइफ में मैंने इसको कैसे यूज़ किया, कौन कौन से फंक्शंस ने मेरी कितनी हेल्प करी, उन सब चीज़ों को मैं कवर करने वाला हूं। और अगर आप खुद परचेज करने की सोच रहे हैं तो वीडियो को जरूर देखना, आपकी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैंने एप्पल वॉच एसी पे ही क्यों सेटल किया अपने आप को, 8 और अल्ट्रा की तरफ क्यों नहीं गया। तो देखो भाई, अल्ट्रा जो है वो 90,000 के प्राइस पॉइंट पे आती है, उतना मेरा बजट था नहीं। दूसरी चीज़ मेरे हिसाब से वो ना प्रो एथलीट्स को दिमाग में रखते हुए बनाई है, क्योंकि उसमें टाइटेनियम बॉडी आपको देखने को मिल जाती है और दुनिया भर के सेंसर देखने को मिल जाते हैं, लाइक डेप्थ सेंसर है और आपका टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर सेंसर वगैरह है, जो मुझे नहीं लगता कि स्कूबा डाइवर वगैरह के अलावा डे टू डे लाइफ में ज़्यादातर लोगों के यूज़ में आने वाले हैं। एटलीस्ट मेरे केस में था तो मैंने उसको तो ऑलरेडी ही बाहर कर दिया था मेरे दिमाग से। बट मेरी जो कंफ्यूजन थी वो थी सीरीज 8 और ऐसी सेकंड जनरेशन को लेके। तो यहां पे मैंने अपने आप को सेटल डाउन इस पे इसलिए किया क्योंकि जब मैंने उन दोनों को कंपेयर किया साइड बाय साइड और काफी सारे डीप रिव्यूज वगैरह देखे तो मुझे लगा कि जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करती है एप्पल वॉच ऐसी। और 8 में डेफिनेटली कुछ फीचर्स हैं जो आपको अच्छे लग सकते हैं अगर आपके पास उतना पैसा है और आप मतलब 15-20 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सीरीज 8 की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज 90% ऑफ द पीपल के लिए मेरे हिसाब से एप्पल वॉच एसी जो है वो बहुत ही मोर देन इनफ रहेगी। तो यहां पे परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो तीनों ही वॉचेस में आपको सेम एसेट चिप देखने को मिलती है, तो लॉन्जेविटी की बात हो, फ्यूचर अपडेट्स हो या परफॉर्मेंस हो डे टू डे, उसमें आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और जो भी अदर फंक्शनैलिटीज होती हैं अदर देन जो उसमें एक्स्ट्रा सेंसर्स आते हैं वो सारे के सारे एग्जैक्टली सेम काम करते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों एक्स्ट्रा पैसा बर्बाद किया जाए। ECG, SPO2 मॉनिटरिंग और जो टेम्परेचर सेंसर सीरीज 8 में आते हैं वो मेरे इतने नीड के नहीं थे। हाँ, डेफिनेटली मेरे को ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का थोड़ा सा था, बट आफ्टर यूजिंग दिस मेरे को इतना ज़्यादा फील नहीं होता। आपको सिर्फ एक रिस्ट को ट्विस्ट करना है और आपको वॉच का टाइम जो है वो पता चल जाता है। ऑलवेज ऑन अल्टीमेटली मैंने काफ़ी यूजर से सुना है कि वो उसको ऑफ ही करके रखते हैं क्योंकि उसको बैटरी एंग्जाइटी हो जाती है कि भाई ख़त्म ना हो जाए। और बैटरी लाइफ के बारे में हम आगे बात करेंगे तो और ज़्यादा कवर अप करूँगा मैं उसको। बाकी मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी थी तो मैंने इसी पे अपने आप को सेटल कर दिया। और दूसरी कन्फ्यूज़न ये थी कि मेरे को GPS मॉडल लेना चाहिए या सेलुलर लेना चाहिए। तो मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो 99% ऑफ द टाइम अपने फ़ोन को अपने पास ही रखता हूँ, बट अगर आप ऐसे यूज़र हैं जो मॉर्निंग में रनिंग पे जाते हैं अपने वॉच के साथ और फ़ोन को कैरी करना नहीं चाहते तो आप डेफिनेटली सेलुलर की तरफ जा सकते हैं। वो अराउंड आपको 7 से 8 हज़ार रुपये महंगी मिलती है इससे। और अगर आप एयरटेल यूज़र हैं तो आपको पोस्टपेड में स्विच करना पड़ेगा क्योंकि प्रीपेड के साथ वो काम नहीं करता, जबकि अगर आप जियो यूज़र हैं तो आप दोनों ही प्रीपेड एंड पोस्टपेड में उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये तो था कि मैंने इसको परचेज़ क्यों किया। अब हम बात कर लेते हैं किसी भी स्मार्टफोन की जो कोर फंक्शनैलिटी होती है जिसके लिए बंदा उसको परचेज़ करता है उसमें ये कैसी परफॉर्म करती है और मेरे को किस किस वे में इसने हेल्प किया। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं नोटिफिकेशन डिलीवरी। तो कभी भी आपके आईफोन पे कोई मैसेज आता है या कोई कॉल आती है तो उसको ये डायरेक्टली रियल टाइम में रेप्लिकेट करता है आपकी वॉच पे और डायरेक्टली आप वॉच से उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल फिटनेस वॉच होती है उसकी तरह नहीं कि सिर्फ आपको नोटिफिकेशन दिखाएगी। आप यहाँ से प्रॉपर उसको रिप्लाई कर सकते हैं, इमोजीज का यूज़ कर सकते हैं और प्रॉपर वॉइस डिक्टेशन का यूज़ करके उसको रिप्लाई कर सकते हैं हिंदी या इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। सिमिलरली आप इससे कॉल पिक कर सकते हो, कॉल डायरेक्टली यहाँ से मिला भी सकते हो और स्पीकर फोन से आप उस पर डायरेक्टली बात कर सकते हो और चाहो तो एयरपॉड्स या किसी थर्ड पार्टी ब्लूटूथ हेडफोन को कनेक्ट करके भी कॉल को यूज़ कर सकते हो। तो नोटिफिकेशन के मामले में बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करती है, व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन हो, मैसेजेस हो, ये सारे आप इजीली देख सकते हो, रिप्लाई कर सकते हो। बट कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसमें ये अभी अच्छे से काम नहीं करती है, लाइक टीम्स हैं तो टीम्स की नोटिफिकेशन नॉर्मली शो करता है बट वहाँ पे आपको रिप्लाई का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। आई होप कि नेक्स्ट फ्यूचर में कोई अपडेट आए तो उसमें ऐड हो जाए, बट मोर और लेस आपको नोटिफिकेशन तो सभी चीज़ों की मिल जाती है। इंटरेक्टिव जो है वो लिमिटेड
4-5 एप्लीकेशन है जो डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज़ ही करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी फिटनेस एंड हेल्थ ट्रैकिंग एबिलिटीज़ के बारे में, जो कि मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा करती है और इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे आपके ऑब्वियसली जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो तो सारी चीज़ें आपकी कवर होती हैं, लाइक स्टेप काउंट वगैरह, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करती है। तो हम अगर स्टार्ट करें तो इसमें आपको प्राइमरी 3 एप्लीकेशन देखने को मिलती हैं जो कि फिटनेस रिलेटेड है। सबसे पहले तो आपको इसमें हार्ट रेट सेंसर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपकी करेंट हार्ट बीट को ये मॉनिटर करता रहता है और बताता रहता है कि कितनी देर पहले इसने चेकआउट किया था। अगर आप क्राउन से इसको स्क्रॉल डाउन करते हो तो आपकी रेस्टिंग हार्ट रेट, वॉकिंग हार्ट रेट, और इवन अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करोगे तो यहाँ पे नीचे आपको जो फिटनेस वर्कआउट की जो एक्सरसाइज होती है, रनिंग एवरेज हार्ट रेट वगैरह होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताता रहता है। अगर आप किसी पे टैप करते हो तो यहाँ पे आपको प्रॉपर डेडिकेटेड ग्राफ भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपका प्रीवियस रीडिंग्स को ये जो बैकग्राउंड में काउंट करता रहता है उसके हिसाब से ये जनरेट करता है। तो ये तो हार्ट रेट की बात हो गई। यहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड करता है अगर आपकी हार्ट बीट लेट से अगर 120 बीट्स पर मिनट से ऊपर चली जाती है, और अगर आप इनएक्टिव हैं, नॉर्मल बैठे हैं, तो आपको ये वार्निंग देगा। अगर 40 बीट्स पर मिनट से नीचे चली जाती है तो भी आपको ये वार्निंग प्रोवाइड करता है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी अगर हम बात करें इसमें फ़िटनेस ऐप के बारे में, तो यहाँ पे आपको फ़िटनेस ऐप जिसके लिए एप्पल वॉच काफ़ी पॉपुलर है, और ये जो रिंग्स वगैरह हैं ये हमें मोटिवेट करती हैं। यहाँ पे आप कोई भी एक टारगेट सेट कर सकते हो जिसमें आपका मूव टारगेट, स्टैंड टारगेट और एक्सरसाइज टारगेट रहता है, और जब भी आप इसको पूरा फिल कर लेते हैं तो बड़ी कूल सी एनिमेशन आती है जो आपको मोटिवेट करती है। और अगर आप फर्दर इसको एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पे आपके टोटल स्टेप्स, डिस्टेंस और कितने फ्लाइट्स क्लाइंब वगैरह किए वो सारा डेटा यहाँ पे स्टोर होता रहता है। इसी के साथ साथ आप अपने अदर फ्रेंड्स वगैरह से भी कंपीट कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करते हैं एक दूसरे से कंपीट करने के लिए और आपको एक्टिव रखते हैं। बाकी इसके अलावा हमें जो एप्लीकेशन देखने को मिलती है वो है वर्कआउट। तो वर्कआउट में आप कोई भी वर्कआउट अगर करते हैं जिसमें से रनिंग, साइकिल और स्विमिंग को ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, बट उसके अलावा अगर आप कोई इसी अदर वर्कआउट में इन्वॉल्व हैं तो यहाँ पे बहुत सारे वर्कआउट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं आपको, और यहाँ से आप डायरेक्टली जाके उसमें चूज़ कर सकते हैं। और अगर इसमें आपको नहीं मिलता तो आप यहाँ से ऐड वर्कआउट करके, यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ वर्कआउट हैं, उसमें से कोई ना कोई वर्कआउट आपको डेफिनेटली मिल जाएगा जिसको आप तलाश रहे होंगे। आप इससे स्लीप ट्रैकिंग भी कर सकते हो, तो जब भी आप इसको पहन के सोएंगे तो ये बैकग्राउंड में आपकी स्लीप को मॉनिटर करती रहती है यूजिंग हार्ट रेट सेंसर वगैरह। तो आपको एक पूरी समरी ये प्रोवाइड करता है कि आपने कितनी डीप स्लीप ली, कितने REMs थे, कितनी देर आप उठे रहे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताता है। और ये जो भी हेल्थ का सारा डेटा है वो आपके आईफोन की हेल्थ एप्लीकेशन में स्टोर होता रहता है, तो आप वहाँ से जाके अपना पूरा पास्ट का डेटा जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। काफ़ी मोटिवेटिंग लगता है कि आपने कितना ग्रोथ किया है, कितना इम्प्रूवमेंट आई है आपसे पहले और अभी में, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ मेरे को लगती है। सारा डेटा आपका स्टोर होता रहता है क्लाउड पे, और जब भी आप फ़ोन वगैरह स्विच करेंगे तो वो सारा का सारा डेटा जो है वो आपका ऑब्वियसली इंटैक्ट रहेगा और आपके क्लाउड के साथ वो कनेक्टेड है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो टाइम है वो किस तरीके से दिखाती है, लाइक कस्टमाइजेशन ऑफ वॉच फेसेस वगैरह। तो ऑब्वियसली जो मेन काम होता है वॉच का, जो पहले वॉचेस आती थी उनका काम था वो टाइम दिखाना, तो वो ये बहुत ही अच्छे से करती है। आप अपने चॉइस के हिसाब से एनालॉग, डिजिटल, जो भी वॉच फेसेस एप्पल ने यहाँ प्रोवाइड किए हैं आप उनको यूज़ कर सकते हो, और उससे भी अच्छी चीज़ ये है कि आप उसको अपने टेस्ट और लाइकिंग के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को किसी वॉच फेस में अपने शर्ट के कलर से मैचिंग उसको करवाना है तो वो पॉसिबल है। आप उसकी कॉम्प्लिकेशंस को अपने लाइकिंग के हिसाब से एडिट कर सकते हो, आप अपने फोटोग्राफ्स को एज अ वॉच फेस यूज़ कर सकते हो, तो वो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं। वो आप मैंने ऑलरेडी इसकी फीचर ऑल फीचर वीडियो बनाई है, आप डेफिनेटली उसको जाके चेकआउट करना, जहाँ पे मैंने इसकी सारी सेटिंग्स और फीचर्स को कवर अप किया है, आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अलावा एप्पल वॉच क्या क्या कर सकती है और डे टू डे लाइफ में आपकी कैसे हेल्प कर सकती है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप एक साइकिलिस्ट हैं या बाइक वगैरह चलाते हैं, ठीक है, तो आप इससे नेविगेशन यूज़ कर सकते हैं। तो आपके रिस्ट पे ही ये टर्न बाय टर्न नेविगेशन शो करता रहता है, और बहुत ही अच्छी सी एक टैप्टिक इंजन के थ्रू ये हैप्टिक प्रोवाइड करता है। लेट्स से अगर आपको लेफ्ट मुड़ना है तो ये 3 बार आपके वाइब्रेशन होगी रिस्ट पे, तो आपसे उसको फीलिंग आ जाती है, आप फील कर सकते हो उसको कि भाई मेरे को लेफ्ट लेना है या राइट लेना है। इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें इसको बहुत ही अच्छा बनाती हैं। इसी के साथ आपको इसमें हैंड वॉशिंग का जो रिमाइंडर है वो मिल जाता है, तो जब भी आप ऑफिस से घर आएंगे या किसी अदर लोकेशन से घर आएंगे तो आपको रिमाइंड करवाएगी कि भाई आप घर आ चुके हो, आप हैंड वॉश कर लो। और जब भी हैंड वॉश करोगे तो एक 20 सेकंड का टाइमर लगा देता है ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके अपने हाथों को अच्छे से धोने के लिए, और बहुत ही कूल सी एनिमेशन भी प्रोवाइड करता है जब आप उस 20 सेकंड के मार्क को पूरा करते हो। और इसमें नॉइस एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाती है, तो जो भी आपके एनवायरमेंटल नॉइस होती है उसको रियल टाइम में डिटेक्ट करती रहती है, और कभी भी अगर एक सर्टेन डेसिबल
डेसिबल से ऊपर का साउंड जाता है फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, तो आपको ये नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता है कि यार आप काफ़ी देर से लाउडर एनवायरनमेंट में हो और थोड़ा सा अपने कानों को रिलैक्स दो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इस एप्पल वॉच को बहुत ही अच्छा बनाती हैं। मैं एक एप्पल वन यूज़र हूँ, मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो एप्पल म्यूज़िक और पॉडकास्ट को भी मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। तो जो भी मेरे सब्सक्राइब्ड पॉडकास्ट हैं वो ऑटोमेटिकली इसमें ऑफलाइन स्टोर होते रहते हैं, तो कभी इंटरनेट है या नहीं है, फ़ोन मेरे पास है या नहीं है, मैं डायरेक्टली अपनी प्लेलिस्ट, म्यूज़िक प्लेलिस्ट और पॉडकास्ट की जो भी मेरे एपिसोड्स हैं उनको डायरेक्टली कभी भी एंजॉय कर सकता हूँ हेडफोन कनेक्ट करके। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ प्रोवाइड करती है यहाँ पे। इसी के साथ साथ जो भी मेरी फोटोग्राफ्स होती हैं मेरे आईफोन पे, अगर मैं उनको फेवरेट में टैप करता हूँ तो ये डायरेक्टली उसको मेरे वॉच में भी सिंक कर देती है, ताकि मैं अपने वॉच पे भी उन मेमोरीज़ को एंजॉय कर पाऊँ। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। इसी के साथ अगर हम इसके ऊपर और इसको फर्दर नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएँ, तो एप्पल ने इसमें एक्सेसिबिलिटी नाम का एक ऑप्शन दे रखा है, फीचर दे रखा है, जिसके थ्रू आप इसमें क्विक एक्शन को ऑन करके एक सर्टेन एक्शंस परफॉर्म कर सकते हो। मैं सिंपली अपने फिंगर को ऐसे पिंच करता हूँ तो मेरी कॉल पिक हो जाती है एक ही हाथ से, और दोबारा पिंच करता हूँ तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। सिमिलरली अगर मैं कभी म्यूजिक सुन रहा हूँ या पॉडकास्ट सुन रहा हूँ, उसको मेरे को पॉज करना है इंस्टेंटली, तो मैं अपनी फिंगर्स को पिंच करूँगा और वो डायरेक्टली प्ले एंड पॉज हो जाएगा। तो इस तरीके के फंक्शनैलिटी स्पेशली एज अ बाइकर, क्योंकि मेरे को दोनों हाथों का यूज़ नहीं कर सकता मैं, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है और ये 99% ऑफ द टाइम बहुत ही अच्छे से काम करता है। एप्पल की मेरे को सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है कि जो भी फंक्शन ये, जो भी फीचर्स ये प्रोवाइड करते हैं वो कोई गिमिक नहीं होते और वो बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। अगर आपकी वॉच में है तो वो 99% टाइम्स अच्छे से काम करेगा। तो ऑन एंड ऑन ये मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है। मैं इसको स्पेशली वर्कआउट और म्यूज़िक के लिए काफ़ी यूज़ करता हूँ। पॉडकास्ट की मेरी एक बहुत अच्छी आदत लग गई है, तो मैं पॉडकास्ट वगैरह इस पर स्टोर होते रहते हैं तो मेरे को नोटिफिकेशन आती रहती है, मैं सुनता रहता हूँ। और स्लीप ट्रैकिंग के लिए भी मैंने कभी कभी इसको यूज़ किया है, क्योंकि ये थोड़ी सी लाइट है, इतनी ज़्यादा हैवी नहीं है, तो आप इसको यूजली पहन के सो सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं आने वाला। और बाकी मैप्स के लिए मैं इसको काफ़ी यूज़ करता हूँ, रिमाइंडर्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो कोई भी मेरे को अगर रिमाइंडर सेट करना है, मैं अपने रिस्ट को अपने मुंह के पास ले जाता हूँ और मेरे को हॉट वर्ड भी नहीं बोलना, मेरे को कोई बटन भी नहीं दबाना, जो सीरी है वो अपने आप ही इनवोक हो जाती है और मैं उससे कुछ भी रिमाइंडर सेट करवा सकता हूँ, जो कि अक्रॉस द डिवाइसेस सिंक हो जाता है। तो मेरे मैकबुक पे भी वो रिमाइंडर सेट हो जाता है, मेरे आईफोन पे भी वो सेट हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा बनाती है एप्पल वॉच को। और कोई भी क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, कोई भी आपके क्यूरियस वाली चीज़ें हैं जो इंस्टेंटली आपके दिमाग में आ रही है, आप डायरेक्टली सीरी से पूछ सकते हो और 90% एक्यूरेटली वो बता देती है, कभी भी इशू नहीं आते। तो ये तो थी कुछ अच्छी अच्छी बातें जिसने मेरे को काफ़ी इंप्रेस किया, बट एक दो चीज़ें हैं जो मेरे को इसकी अच्छी नहीं लगी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो भी एप्पल के बैंड्स हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव हैं। तो लेट्स से कभी मैं इस ब्लैक कलर से बोर हो जाता हूँ, मिडनाइट कलर से, और मैं सोचता हूँ कि कोई वाइट कलर का बैंड लूँ या रेड कलर का बैंड लूँ, तो उसके लिए मेरे को, अगर मैं ऑफिशियली एप्पल की तरफ जाता हूँ, तो उसके लिए मेरे को अराउंड 4,500 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक बैंड के लिए बहुत ज़्यादा महंगा है। और अगर आप ब्रेडेड लूप्स की तरफ जाएंगे तो वो 9,500 तक के हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और थर्ड पार्टी पे मेरे को इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि महंगी वॉच है, कभी गिर जाए, कुछ हो जाए, और उनकी क्वालिटी भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, जो आपकी स्किन को कहीं ना कहीं, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो उस पर इशू डाल सकती है। दूसरी चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी वो ये है कि इसकी जो बैटरी लाइफ है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी जनरली हमें मिलती है अदर फिटनेस वॉचेस में। ऑब्वियसली स्मार्ट वॉचेस में बहुत सारे सेंसर होते हैं, मैं समझता हूँ, बट मेरे हिसाब से अल्ट्रा की जो बैटरी लाइफ है वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। और अगर एप्पल उसी बैटरी लाइफ को इस वॉच में लेके आ जाता तो बहुत ही अच्छा रहता। आई होप कि फ्यूचर अपडेट्स में जो भी एप्पल वॉच सीरीज़ ऐसी 3 या 4 आएगी, उसमें हमें अराउंड 2 से 2.5 दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। ये भी अच्छी चल जाती है बट उतनी अच्छी नहीं है। यूजली अगर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो तो 24 घंटे तक ये चल जाती है अगर आप इससे स्लीप ट्रैकिंग करते हो। लेट से अभी 8 बजे हैं रात के और मैंने इसको 100% चार्ज करके अपनी रिस्ट पे बांधा, मैंने वॉक वगैरह किया, खाना खाया, उसके बाद मैं सो गया। सुबह उठा, नॉर्मल अपना रूटीन है, उसके बाद इससे मैंने गाने सुने, एक्सरसाइज वगैरह करी, दिन में पॉडकास्ट सुने, तो शाम को आते आते अगेन 8 बजे तक ये अराउंड 20% रह जाती है। तो आपको इसको डेली चार्ज करना ही करना पड़ेगा। और मेरे को एज सच कुछ इसमें नेगेटिव लगा नहीं अभी तक, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। और मैं आप लोगों को रेकमेंड भी करूँगा कि आप इस प्राइस पॉइंट पर इसको डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। डील वगैरह में कार्ड वगैरह के ऑफर के साथ आपको ये 26,000 से 28,000 की देखने को मिल सकती है, जो कि बहुत ही अच्छी डील है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, मेरे एक्सपीरियंसेस कैसे लगे, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपका कोई स्पेसिफिक
स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन है एप्पल वॉच रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली ट्राई करता हूँ सारे कमेंट्स को आंसर करने की। इस तरीके की वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।